गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पिछले पीरियड के अंदर हमने ये सीखा था कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज क्या है, किस तरह से मेमोरी का रोल है, कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट किस तरह से काम करता है, और ये सब चीज़ें हमने देखी थी। आउटपुट यूनिट के बारे में भी हमने सीखा था। आउटपुट यूनिट के अंदर प्रोजेक्टर्स आते हैं, प्रिंटर्स आते हैं, मोनिटर्स रहते हैं। सो, ये सब जो हाईलाइटेड यहाँ पर मैंने किया है, ये सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट पीरियड में देखा था। आज फ्रेंड्स हम आगे चलेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है और एडवांटेजेस है जिसकी वजह से आज हर जगह पर हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। रेयरली ऐसी कोई जगह होगी, कोई ऐसा सेक्टर या फील्ड बाकी होगा जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ नहीं हो रहा है। बट मेरे ख्याल से आई थिंक सो हर जगह हर एक फील्ड के अंदर आज हम कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, राइट? ओके फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्यों आज इतना कंप्यूटर को प्रिफर किया जाता है, कंप्यूटर का डे बाय डे इतना यूज़ क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑटोमेशन, एक्यूरेसी, लॉन्ग टर्म स्टोरेज, कंसिस्टेंसी एंड प्रोग्रामेबिलिटी। ये कुछ चार या पांच ऐसे उसके लक्षण है या तो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से आज कंप्यूटर का इतना यूज हो रहा है। अगर हम पुराने कंप्यूटर्स की बात करें तो पुराने कंप्यूटर्स में ये सारी इतनी सब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, बट डे बाय डे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे हमारी जो डिपेंडेबिलिटी है वो कंप्यूटर के ऊपर बढ़ती गई, क्योंकि कंप्यूटर हमारे लिए वो काम करता है, हमारी मेहनत को आसान करता है, हमारा टाइम सेविंग करता है, एक्यूरेसी भी देता है और टाइम भी हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, एक एक जो उसके एडवांटेजेस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि दीज कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन टू एग्जीक्यूट द गिवन टास्क, हेंस दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑल्सो नोन एज एफिशिएंसी ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ऐसी खूबी है, ऐसी खासियत है जिसकी वजह से हम आज कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आता है ऑटोमेशन। माई डियर फ्रेंड्स, आपने हर जगह पर देखा होगा कि जो मशीनरीज आजकल जो हम यूज करते हैं वो मशीनरीज के अंदर भी काफी हद तक कंप्यूटर का यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल हम अपने घर की बात करते हैं तो हमारे घर के अंदर हमारे पास माइक्रोवेव ओवंस है, फुल्ली ऑटोमेटिक हमारे पास वॉशिंग मशीन्स है और ऐसे बहुत से गैजेट्स है जो हमारे इंटरेक्शन के बिना भी अपने आप चलते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेशन। यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर कैन ऑटोमेटिकली परफॉर्म अ गिवन टास्क वंस डेटा एंड नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। ह्यूमन इंटरवेंशन इज नॉट रिक्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सम जॉब्स सच एज सर्चिंग फॉर ए लार्ज रिपोजिटरी ऑफ डेटा और फ्रॉम इंटरनेट आर नियरली इम्पॉसिबल विदाउट सच ऑटोमेशन। डियर फ्रेंड्स, हम आज जो भी प्रोडक्ट हमारे सराउंडिंग्स में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन होता है और जो उसकी प्रोडक्शन लाइन होती है वो काफी हद तक ऑटोमेटिक प्रोडक्शन लाइन होती है, यानी कि उसके अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर मशीन्स इन्वॉल्व रहते हैं। मशीन्स अपने तरह से स्टार्ट होता है, जब भी कोई फॉल्ट आता है तो अपनी आप वो बंद हो जाता है, फॉल्ट को क्लियर किया जाता है और दोबारा वो स्टार्ट हो जाता है। फूड की हम बात करें, आपने देखा होगा नेशनल जियोग्राफी पर एक फूड ट्रैक करके प्रोग्राम आता है, इसके अंदर आप देखो तो जितने भी मशीनरीज बताते हैं या तो जो फूड का प्रोडक्शन होता है वो फूड प्रोडक्शन के अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी कम होता है, सब कुछ मशीन अपने आप करता है। रॉ मटेरियल इनपुट करने से लेके एक पैकेज तैयार होके पैक होके मटेरियल बाहर निकलता है तब तक कहीं पर भी कोई ह्यूमन बीइंग बीच में आता नहीं है, राइट?
दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। ये तो सिर्फ फूड प्रोसेस की बात हुई, आप देखो प्रोडक्शन लाइन की बात करो, मशीन से, टूल से, वो किसी भी तरह की चीज को बनाने के लिए अपने आप, उसको जिस तरह से डिजाइन किया गया है उस तरह वो अपने आप काम करते रहते हैं और प्रोडक्शन करते रहते हैं। उसकी जो एक्यूरेसी होती है, मशीन की एक्यूरेसी, एक ऑटोमेशन की बात आती है तब एक्यूरेसी की भी बात आती है कि अगर कोई एक इंसान है जब वो जॉब पर जाता है सुबह में तो उसकी एक एक्यूरेसी होती है कि वो फ्रेश होता है, फ्रेश मूड में रहता है, वो अच्छे से काम कर सकता है, अच्छे से काम करता भी है। बट जैसे जैसे दिन बढ़ता है और जैसे जैसे शाम का वक्त आता है तब तक वो थकान महसूस करता है, थक जाता है, उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है वो कुछ कम हो जाती है, राइट। जबकि मशीन्स में ऐसा नहीं होता है क्योंकि मशीन्स कभी थकते नहीं है, और सिवा के कोई ऐसा फोल्ड खड़ा हो जाता है मशीन्स के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर, तब जाके वो मशीन स्टक हो जाती है, अदरवाइज वो मशीन चलती रहती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट। सो ऑटोमेशन मीन्स व्हाट? ऑटोमेशन मीन्स कुछ सर्टेन ऐसे इंस्ट्रक्शंस के द्वारा वो मशीन वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। हमारे घर में जो माइक्रोवेव ओवन से उसके अंदर हम खाना रखते हैं, आपने देखा होगा आगे एक पैनल दिया जाता है, वहां पर एक रेडीमेड रेसिपी की पैनल होती है कि भाई आपको नूडल्स बनाने हैं तो ये बटन प्रेस करो, आपको दूध उबालना है, गर्म करना है तो इसके लिए ये बटन प्रेस करो। तो इससे क्या होता है कि वो बटन प्रेस करने से उसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है कि भाई माइक्रोवेव ओवन को ग्रिल मोड पर कितनी मिनट्स, कितनी सेकंड्स पर चलाना है, कन्वेक्शन मोड पर कितनी मिनट्स या कितनी सेकंड तक चलाना है, और कॉम्बिनेशन मोड पर कितनी सेकंड्स या कितने मिनट तक चलाना है, और इस प्रकार से वो अपने आप चालू होता है, अपने आप मोड चेंज करता है, अपने आप बंद हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। अब इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग किया है, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी है, वो अपने आप वहां पर एग्जीक्यूट होती है और हमारा खाना तैयार हो जाता है, पक जाता है, और क्या हो जाता है, माइक्रोवेव ओवन बंद भी हो जाता है। सिमिलर वे वॉशिंग मशीन के अंदर हमने कपड़े डाल दिए, वॉशिंग पाउडर या लिक्विड सोप है उसको डाला और मशीन को स्टार्ट कर दिया। मशीन क्या करता है, अपने आप कितना पानी उसके अंदर भरना है, पानी का फ्लो चालू होता है, पानी बंद होता है, मशीन चालू होता है, ड्रेन होता है, ये सब फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते रहते हैं। और जब 2, 4, 5 बार कपड़े इस तरह से धोए जाते हैं उसके बाद मशीन क्या होता है, ऑटोमेटिकली बंद होता है, उसको स्पिन किया जाता है मशीन और कपड़े सूख जाते हैं, और इस तरह से हमारे कपड़े सूखे हुए हमें मिलते हैं। और ऐसी तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स है फ्रेंड्स जिसके अंदर हम ऑटोमेशन देख रहे हैं। इन शॉर्ट कि एक छोटी सी चिप के अंदर लिखा हुआ वो छोटा सा सोर्स कोड या तो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है वो मशीन को ऑटोमेटिक चलने के लिए एबल बनाता है। मशीन को कब स्टार्ट होना है, कब बंद होना है, सेंसर्स लगे होते हैं और उसके हिसाब से वो काम करता रहता है। सो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑटोमेशन का। सेकंड वन जो है वो है एक्यूरेसी। यहाँ पर देखो ये हमारे पास या लिखा है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कंप्यूटर की एक्यूरेसी, हम कह सकते हैं कि 99.99% सही होता है। मिस्टेक या गलती कंप्यूटर कभी नहीं करता है। कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको फॉलो करते हुए कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपने कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन ही गलत दी है तो वो काम भी गलत करता है, लेकिन अगर आपने सही इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को इनपुट किए तो कंप्यूटर आपको 99.99% उसका राइट आंसर प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर्स आर एबल टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एरिथमेटिक एंड लॉजिकल कंप्यूटेशंस विथ द हाइएस्ट एक्यूरेसी। प्रॉपरली डिजाइन कंप्यूटर प्रोवाइड हाईली एक्यूरेट रिजल्ट। हाउएवर इट इज ऑब्वियस दैट गार्बेज यानी कचरा, बैड गार्बेज रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गार्बेज इनपुट एंटर्ड नोइंगली और अनोइंगली। दिस इज कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो। कंप्यूटर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं तो एक्यूरेसी 100% बोल सकते हैं, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। बट इट इज डिपेंड्स ऑन आपने
कौन सा इनपुट दिया है। अगर आपने सही डेटा इनपुट किया है तो कंप्यूटर आपको सही आउटपुट प्रोड्यूस करके दिखाने वाला है, लेकिन आपने इनपुट अगर गलत दिया है तो आपको आंसर भी इसका गलत ही मिलने वाला है। इसके लिए एक वर्ड कंप्यूटर टर्म में यूज होता है गीगो, GIGO का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। गार्बेज इन, कचरा डालोगे तो बाहर क्या निकलेगा, कचरा ही निकलेगा, राइट। सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रेंड्स कि एक्यूरेसी जो है वो एक्यूरेसी के मामले में कभी कंप्यूटर थकता नहीं है। कंप्यूटर एक मशीन होता है, मशीनरी होती है, और मशीन के अंदर जब तक कोई फॉल्ट खड़ा नहीं होता है तब तक वो मशीन कंटिन्यूस काम करती रहती है, कंटिन्यूस वो चलती रहती है, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, उसके अंदर जान नहीं है, उसको या तो पावर सप्लाई की जरूरत होती है, वो आप कंटिन्यू करो तो वो मशीन तो चलती रहती है, फ्यूल की जरूरत है वो आप प्रोवाइड करो वो मशीन चलती रहती है, राइट। सो एक्यूरेसी के मामले के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर 99.99% एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। नेक्स्ट जो उसका एडवांटेज है वो है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। फ्रेंड्स अगर स्टोरेज नहीं होता तो कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हमें वो सब याद नहीं रखना पड़े कि हमने कल क्या किया था या एक साल पहले क्या काम किया था। वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सब हम स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हो पेज नंबर सामने वाले पेज पर 7 के ऊपर, इनपुट आउटपुट कंट्रोल यूनिट ALU प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, ये पूरा डायग्राम हमें ये बताता है कि बेसिक जो कंपोनेंट्स है कंप्यूटर के और किस तरह से कंप्यूटर काम करता है। सी फ्रेंड्स, यहाँ से जब भी कोई इनपुट आता है तो सबसे पहले उसको चेक किया जाता है कंट्रोल यूनिट में कि ये इनपुट सही है या गलत है। अगर कोई गार्बेज आया है तो बाहर क्या निकलेगा, सीधा गार्बेज निकलेगा। और अगर कोई सही इंस्ट्रक्शंस है जिसको प्रोसेस करनी है तो बाद में यहाँ पर और बाद में प्राइमरी मेमोरी तक जाती है, उसको प्रोसेस किया जाता है और बाद में उसका आउटपुट दिखाया जाता है। हम जब भी काम करते हैं तो हम काम यहां पर करते हैं फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी के ऊपर, और प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो मैंने आपको बता दें कि ये वॉलेटाइल मेमोरी है। मीन्स कि ये मेमोरी के अंदर जो डेटा रहता है वो जब तक पावर सप्लाई ऑन है तब तक यहां पर रहेगा, जैसे ही पावर सप्लाई ऑन हो गया तो यहां पर जो भी डेटा है वो सारा डेटा क्या हो जाता है, वाइप आउट हो जाता है, यानी रिमूव हो जाता है। ये प्राइमरी मेमोरी, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो रैम मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो यहां पर है फ्रेंड्स प्राइमरी मेमोरी के अंदर, राइट। जबकि यहां पर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म स्टोरेज की, तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज कहां पर होता है, वो फ्रेंड्स यहां पर होता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो है सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसको हम लंबे काफी सालों तक उसका यूज कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके अंदर क्या आता है, तो उसके अंदर आता है हार्ड डिस्क ड्राइव आता है, उसके अंदर आता है सीडी आती है, DVD आती है, USB पेन ड्राइव आते हैं, मेमोरी कार्ड्स आते हैं, है ना। तो इस तरह की जो मेमोरीज है वो हम सेकेंडरी मेमोरी के अंदर उसको काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर हमें एडवांटेज दिखाया गया कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज, यहां पर आपने प्राइमरी मेमोरी से कोई भी डेटा अगर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया है तो वो वहीं पर रहेगा जब तक आप वहां से उसको रिमूव नहीं करोगे, कितने भी साल क्यों ना निकल जाए, बट आपका जो डेटा है वो सेकेंडरी मेमोरी में, यानी आपने हार्ड डिस्क में स्टोर किया है, CD में स्टोर किया है, DVD में स्टोर किया है, पेन ड्राइव में स्टोर किया है, मेमोरी कार्ड्स में स्टोर किया है, जहां पर आपने स्टोर किया है वहीं पर पड़ा रहेगा जब तक आप उसे वहां से रिमूव नहीं करते हो फ्रेंड्स। सो लॉन्ग टर्म स्टोरेज, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट्स सेकेंडरी स्टोरेज फॉर लॉन्ग टाइम। द स्टोर कंटेंट कैन बी रिकॉल इजिली ऑन रिक्वेस्ट अनलेस स्पेसिफिकली आस्क द कंटेंट विल बी प्रिजर्व्ड इन द मेमोरी, ठीक है ना। ये जो डेटा स्टोर होता है वो कभी भी आप पूछोगे मांगोगे तो आपको वापस मिल सकता है, जब तक वो वहां पर है स्टोर्ड है तब तक हम वहां पर उसको वापस गेट कर सकते हैं। ये जो डेटा होता है फ्रेंड्स वो डेटा लार्ज अमाउंट, यहां पर हमने एक वर्ड देखा कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा,
ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी कैसा, कितना डेटा? तो कंप्यूटर के अंदर एक मेजरमेंट होता है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। जैसे हम ग्राम किलोग्राम का यूज करते हैं, लिक्विड के लिए लीटर और मिलीलीटर के अंदर यूज करते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर हम बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट और गीगाबाइट का यूज करते हैं। एक जनरल आपको एक अंदाजा मिले इसके लिए एक मैं सिंपली आपको बता रहा हूं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी सेकेंडरी मेमोरी कितना स्टोर कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास 1 टेराबाइट की या 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क अवेलेबल है आपके कंप्यूटर में। मेरे कंप्यूटर के अंदर 1 या 2 टेराबाइट की जनरली हार्ड डिस्क होती है। अब एक जो मूवी होती है, एक फुल लेंथ मूवी होती है, अप्रोक्सीमेटली काउंट करो के 1 GB की होती है, 1 GB की होती है। ठीक है, 1 GB की एक मूवी, तो हमारे पास जो हार्ड ड्राइव हमारे कंप्यूटर में लगा है, अप्रोक्सीमेटली ऐसे 1000 मूवीज हम हमारे कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसे कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इससे बड़ा भी डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, बट ये एक ऑर्डिनरी और रेगुलर हार्ड डिस्क जो तुम्हारे और मेरे घर के कंप्यूटर के अंदर है उसकी मैं बात कर रहा हूं। प्रोफेशनली बेस ऊपर अगर हम स्टोरेज की बात करें तो वो तो बहुत बड़ा होता है। गूगल का अपना स्टोरेज हाउस है, एक एक यूजर को 15 GB वो डेटा स्टोरेज फ्री देता है ना, ईमेल के ऊपर, जीमेल के ऊपर। तो आप सोचो कि उसका डेटा स्टोरेज कितना बड़ा होगा, डेटा वेयरहाउस उसका है, देखना यूट्यूब के ऊपर वो आपको देखने को मिलेगा। बट हम यहाँ पर काम देख रहे हैं कि हमारे घर के अंदर जो कंप्यूटर्स है, हमारे घर की जो रेगुलर हमारी जो ऑर्डिनरी हार्ड डिस्क है उसके अंदर भी इतना बड़ा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं कि 1000 जितनी हम मूवीज को, फुल लेंथ मूवीज को ये हार्ड डिस्क के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स, ये ह्यूज डेटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है जिसको हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। एक छोटा सा पेन ड्राइव आता है पॉकेट में कहीं पर पड़ा होता है तो उसको ढूंढना पड़ता है कि पेन ड्राइव गया कहां, वो भी आज 64 GB का होता है या तो 128 GB का भी आज मिलता है। तो फ्रेंड्स, उसके अंदर भी 128 GB यानी 128 फुल लेंथ मूवीज हम स्टोर कर सकते हैं। कितना बड़ा डेटा है छोटे से पेन ड्राइव के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। मूवीज सबसे बड़े होते हैं, उसकी डेटा साइज सबसे बड़ी होती है। अल्फा न्यूमेरिक कोई फाइल होगी तो वो तो बहुत छोटी रहती है कंपेयर टू वीडियो के सामने, इमेजेस के सामने। मूवीज बहुत बड़ी होती है क्योंकि वो बहुत बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो फ्रेंड्स, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम सेकेंडरी मेमोरीज के अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, राइट? तो ये भी एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है जिसका थ्रू हम काफी बड़ा डेटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है एबिलिटी टू परफॉर्म मैकेनिकल एंड रिपीटेटिव टास्क। जैसे हमने ऑटोमेशन में देखा था कि मशीनरीज को चलाने के लिए आज हम कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज करते हैं। मोस्टली जितने भी मशीन्स है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमने कंप्यूटराइजेशन ऐड किया है, कंप्यूटर्स को ऐड कर दिया है ताकि वो मशीन अपने आप चलता रहे। यहाँ पर हमारे पास एडवांटेज लिखा है कि एबिलिटी टू परफॉर्म मैकेनिकल एंड रिपीटेटिव टास्क। मैकेनिकल यानी मैकेनिकल काम मशीनरीज को चलाने के लिए और उसको कंटिन्यू चलाने के, रिपीट करना है उसको, दोबारा वही काम उससे करवाना है तो आज हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। आज देखो हमारे पास फूड चेन जो है, फूड प्रोसेस मशीनरीज आती है रोटी बनाने के लिए, चपाटी बनाने के लिए, उसके अंदर क्या होता है, यही मशीनरी होती है कि आपके पास डो है, आपने डो डाला, उसके अंदर सेंसर होता है, सेंसर उसको सेंस करेंगे, आपका आटा उसके अंदर तैयार हो जाएगा, वहां से छोटे छोटे उसके गूंदे बनाया जाएगा, वो सब मशीन के थ्रू होता है और बाद में वो आगे चल के आगे जाएंगे, उसको कट किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, रोटी बनाई जाएगी, उसको गैस के अंदर उसको फ्राई की जाएगी और उसके बाद रोस्टेड होने के बाद वो मशीन से वो बार भी निकल जाती है। पूरा एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रोटियां बना सकते हैं, राइट, टॉर्टिलास बना सकते हैं और बहुत कुछ, सिर्फ नॉट ओनली फूड बट बहुत कुछ ऐसी चीजें आज सब कुछ हम मशीन के थ्रू बनाते हैं। तो मैकेनिकल जो मशीनरीज है उसको चलाने के लिए और उसको रिपीटेटिव वही काम बार बार उससे करवाना है तो
आज हमारी एफिशिएंसी की हम बात करें, चलो सुबह में हमको किसी ने कोई काम दिया है कि ये काम करना है तो हम बहुत अच्छी तरह से करेंगे, फिर दोबारा हमें आके कहेंगे तुम्हें आज वही काम करना है, तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो डे बाय डे क्या होगी, वो धीरे 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 कम हो जाती है ना। बट कंप्यूटर के पास ऐसी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो जो भी टास्क उसे दिया गया है वो फुल फ्लेज में 100% एफिशिएंसी के साथ वो करता ही रहता है, जब तक कि वो मैकेनिकल मशीनरीज के अंदर कोई फॉल्ट खड़ा नहीं हो जाता है, बाकी वो कंटिन्यूस क्या होता है, चलता ही रहता है, राइट। ओके, कंप्यूटर्स आर एबल टू परफॉर्म मैकेनिकल टास्क इन कंसिस्टेंट मैनर, दे डू नॉट पजेस ह्यूमन ओरिएंटेड लिमिटेशंस such as loss of interest, likings and physical capacity. Human being क्या होता है, उसके पास limitation होता है, बार बार एक काम करने से हमारा जो interest है उसके अंदर कम हो जाता है, तो हम वो काम इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, शायद बार बार करने से वो काम करना हमें अच्छा नहीं लगता है, शायद ऐसा भी होता है कि हमारी physical capacity धीरे 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 फिर कम होती जाती है। बट कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं होता है, वो जो मशीनरीज होती है जिसके अंदर कंप्यूटराइजेशन ऐड किया गया है वो अपने आप चलती रहती है जब तक कि वो मशीन खराब नहीं होता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का जिसके वजह से आज कंप्यूटर इतना पॉपुलर हो पाया है। एंड लास्ट वन इज है प्रोग्रामेबिलिटी, प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर को चलाना है, कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि तुम्हें ये काम करना है, ऐसे करना है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज आप कंप्यूटर को पहले से बताते हो, उसके बाद वो पॉसिबिलिटीज के आधार पर कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम्ड टू एग्जीक्यूट प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइटिंग प्रोग्राम वंस एंड एग्जीक्यूटिंग इट मैनी टाइम्स saves lot of time and cost. The program once written can be modified later for the revised task. Therefore, computers are versatile to perform any activity provided a step-by-step program is given. Computers जो है उसको चलाने के लिए, computer अपने आप कुछ भी करता नहीं है friends. Computer के पास knowledge नहीं है, computer के पास दिमाग नहीं है, computer ने हमने बनाया है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर वही काम करेगा जो इंस्ट्रक्शंस हम उसको देते हैं, राइट। हाँ, इतना होता है कि कंप्यूटर को हम पहले से ही वो इंस्ट्रक्शन कोई एक डिवाइस में स्टोर कर देते हैं और उसको दे देते हैं, उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जब भी सिचुएशन खड़ी होती है तो कंप्यूटर वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर है उसके आधार पर, उसके बेस पर वो डिसीजन लेता है और काम करता है, राइट। अलग अलग तरह के सेंसर्स कंप्यूटर में लगे होते हैं, वो अपने सराउंडिंग्स में क्या है, सेंसर्स की मदद से कंप्यूटर को पता चलता है कि मेरे सराउंडिंग्स में क्या है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कई बार अंधेरा होता है, मॉनसून में खास होता है कि जब भी बादल छा जाते हैं, दिन में अंधेरा हो जाता है, तब स्ट्रीट लाइट अपने आप क्या होती है, चालू हो जाती है, और ये एक टेक्नोलॉजी है कि जब अंधेरा होता है तो अपने आप स्ट्रीट लाइट चालू हो जाती है। अब यही चीज आप अपने घरों में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, एक छोटी सी सर्किट आती है 70-80-100 रुपीस की, वो सर्किट टोटल ओवरऑल कॉस्ट उसका होता है, ज़्यादा नहीं होता है, वो सर्किट आप अपने घरों में लगा दो, कोई भी एक बल्ब या ट्यूबलाइट जो बाहर हमारे घर के बाहर रहते हैं, बेसिकली क्या होता है कि हम रात को बाहर की लाइट्स चालू करते हैं, तो ऐसी एक छोटी सी सर्किट ला के आप लगा दो, जैसे ही अंधेरा हो जाएगा तो बल्ब अपने आप चालू हो जाएगा, जैसे ही दिन हो जाएगा बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा, आपको मैन्युअली वहां पर स्विच ऑन और ऑफ करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये होता क्या है, एक छोटी सी सर्किट होती है उसके अंदर हम एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर डाल देते हैं, एक छोटा सा सेंसर होता है जो लाइट को सेंस करता है कि लाइट है कि नहीं है, अंधेरा है या उजाला है, बस वो सेंस होने के बाद वो डेटा अंदर चिप में जाता है और उसके आधार पर हमारी जो इंस्ट्रक्शंस हमने इनपुट किए वो लाइट ऑन करता है और लाइट को ऑफ कर देता है, यानी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटराइज इंस्ट्रक्शंस, वो लैंप को चालू करता है या तो वो लैंप को बंद कर सकता है। ऐसे तो कई एग्जांपल्स हमने देखे हैं मशीनरीज के अंदर, रोबोटिक ऑटोमेशन के अंदर, हर जगह पर आप देखो सेंसर होता है, सेंसर सेंस करते हैं, डेटा सेंड करते हैं और उस प्रकार से क्या होता है कि वो मशीन
काम करता है, प्रोग्रामेबिलिटी है। प्रोग्राम हम एक बार इनपुट किया फिर ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर ऐसे ही काम करेगा, वी कैन चेंज, हम उसे बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी ज़रूरत के हिसाब से। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये पूरा कैरेक्टरिस्टिक और एडवांटेजेस है कंप्यूटर के, जिसको आपको क्या करना है, आपके CW के अंदर लिखना है। टॉपिक ये रहेगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, और उसके अंदर आपको ये जो पांच अलग अलग तरह के एडवांटेजेस दिए गए हैं उसको आपको क्या करना है, उसको आपको अपनी CW में लिख लेना है, राइट। CW हर एक की कंप्लीट होनी चाहिए, ये लेसन जब भी खत्म होगा तब आपको उसको आपकी CW को सबमिट करना होगा स्कूल के अंदर, राइट। सो ये एडवांटेजेस आपको लिखने हैं आपकी CW के अंदर, और जब भी मैं कहूँ तब आपको इसे स्कूल के अंदर आके सबमिट कर देना है।